वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा EVS में हम आपका चैप्टर थर्ड वोटर वोटर कर रहे थे ना, और हमने पेज नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, आज हम आगे करेंगे पेज नंबर 23. ठीक है, EVS का चैप्टर थर्ड. छुटकी इज कन्फ्यूज्ड. हिरेन एंड छुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी. मतलब हिरेन और छुटकी भाई बहन है या दोनों फ्रेंड्स हैं, तो फिर उनको बहुत प्यास लगी थी. थर्स्टी मतलब हुआ प्यास लगना. ठीक है, देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना. तो जो उनके अंकल थे उन्होंने क्या दिया दोनों को, मैंगो पन्ना इन स्टील टम्बलर्स, जो स्टील के गिलास होते हैं ना. तो मतलब हिरेन को भी और छुटकी को भी इस तरह से उन्होंने मतलब पन्ना दिया, आम पन्ना. ठीक है, बट छुटकी वॉन्टेड द ड्रिंक ओनली इन अ ग्लास टम्बलर. लेकिन जो चुटकी है ना, उसको जैसे ये वाला गिलास दिया, पर वो कांच का गिलास होता है उसमें पीना चाहती थी. ठीक है, तो क्या किया उसके अंकल ने, हर अंकल पोर द पन्ना इन टू अ ग्लास टम्बलर. तो उसके अंकल ने जो चुटकी का गिलास था, उसमें जो पन्ना था, उसको जो कांच का गिलास है उसमें पोर कर दिया, उसमें डाल दिया मतलब. ठीक है, बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी. छुटकी जो है वो खुश नहीं थी. शी कंप्लेंट, उसने शिकायत की कि अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, कि आपने मुझे कम पन्ना दिया है. ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि कम पन्ना दिया है? नहीं ना, क्योंकि देखो इस ग्लास में था स्टील के गिलास से, वो कांच के गिलास में, एक ग्लास टम्बलर में पीना चाहती थी. तो उन्होंने क्या किया अंकल ने, इसमें जो आम पन्ना था वो इस कांच के गिलास में, ग्लास टम्बलर में डाल दिया. ठीक है, तो पन्ना तो उतना ही है, ना ज़्यादा और ना ही कम. ठीक है ना, तो हिरेन तो इसमें पिएगा और छुटकी जो है इसमें पिएगी. तो डिफरेंस क्या है बेटा इसमें, कि ये जो है लंबाई में थोड़ा लंबा है, लंबा है मतलब. ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है. और ये चौड़ाई में ज़्यादा है, लंबाई में कम है. ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंस, बाकी सेम है. ओके, तो व्हाट डू यू फील, डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना. मतलब आपको क्या लगता है कि चुटकी के गिलास में, जो चुटकी ने ग्लास टम्बलर में अपना कांच के गिलास में आम पन्ना डलवाया, क्या वो कम है? नो, ऐसा तो नहीं है ना बेटा. तो आप क्या लिखेंगे कि नो, चुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना. क्योंकि चुटकी के ग्लास टम्बलर में, जो कांच का गिलास है, उसमें लेस पन्ना नहीं है, एज द पन्ना वॉज जस्ट पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर. क्योंकि पन्ना जो है उसको एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर, मतलब एक गिलास से दूसरे गिलास में जस्ट पोर किया गया था. या आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नो, चुटकीज ग्लास टम्बलर डिड नॉट हैव लेस पन्ना एज द पन्ना वॉज पोर्ड. पन्ना वॉज जो मतलब मैंगो पन्ना है, मैंगो पन्ना वॉज पोर्ड इन टू अ ग्लास टम्बलर. ठीक है, क्योंकि उसको ग्लास टम्बलर में, कांच के गिलास में डाला गया था. तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है ना, द नेक्स्ट, गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेज वेयर वाटर इज फाउंड. ठीक है, यहाँ पर आपको एक जैसे रिडल, एक पहेली दी गई है. इसमें आपको जहाँ से आपको पानी मिलता है, सोर्सेज ऑफ वाटर, वो दिए गए हैं. फाइंड सेवन ऑफ देम एंड पुट अराउंड ईच वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू. ठीक है, तो आपने जो है फाइंड आउट करना है इसमें से. तो ये पहले से किया हुआ है, वन ऑलरेडी बीन डन वाटरफॉल. ठीक है, हमने किया भी था वाटरफॉल, झरना. ठीक है, उसके अलावा और क्या हो सकता है, वेल, वेल यानी कि कुआं. ठीक है, सी, एस ई ए सी यानी कि समुद्र. ठीक है, रेन, आर ए आई एन, उससे भी तो मतलब वो भी तो पानी का ही सोर्स है ना. जब मतलब पौधों को बहुत सारा पानी चाहिए, हमारे पास ना हो तो बारिश हो तो उनको भी मिलता है, तो रेन. पोंड, पी यू एन डी, तालाब. ठीक है, टैप, टैप से भी आता है ना पानी, टी ए पी, टैप. ठीक है, लेक, एल ए के ई, लेक. ठीक है, ये अगेन वेल आ गया, ये मार्क कर लो चाहे आप ये. ठीक है, बट आपने ये ध्यान रखना कि जब आप इनको मार्क करेंगे तो आप मतलब जो डिफरेंट आपके पास पेंसिल कलर या क्रियॉन कलर होंगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप उसको यहाँ पर थोड़ा मतलब कलर कर सकते हैं, नॉट स्केच कलर. ठीक है, जो पेंसिल कलर या क्रियॉन कलर, ताकि पता चल जाए कि आपने ये फील किया है. ठीक है, सुंदर लगे ताकि आपका काम, समझ में आया. और ये जो आपकी एक्टिविटी है इसको आप एक बार करके भी देखना, एक जैसे इस तरह से टम्बलर लेना स्टील का और एक कांच का लेना. ठीक है, और जो इसमें वाटर होगा वाटर से ही कर लेना, जो इसका वाटर होगा ना वो सेम इसमें करके देखना कि आपको लगेगा कि वो कम है. ठीक है, करके देखना इस आपने इस एक्टिविटी को.
क्योंकि जस्ट इसमें ये डिफरेंस है कि इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है और इसकी लंबाई ज़्यादा है. ठीक है. देन इन एवरी रो, आपको एक गिवन दे रखी है रो, इन एवरी रो पुट अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल्सो टेल हाउ इट इज़ डिफरेंट. ठीक है. तो जैसे ये दे रखा है रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग. देखो जो रिवर है, नदी, वो मतलब रिवर वही पानी का सोर्स हुआ आपका. ठीक है. लेक यानी कि झील, पॉन्ड यानी कि तालाब, स्प्रिंग यानी कि जो छोटा झरना होता है वो भी है ना. तो ये सब पानी के सोर्सेज हुए. माउंटेन, माउंटेन तो नहीं है सोर्स ऑफ वाटर, वो तो पहाड़ है. तो ये आपका डिफर हो गया. ओके. आगे देखो बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो. अब जैसे पानी के यूजेस, मतलब यूजेस ऑफ वाटर, बाथिंग नहाने में यूज़ होता है, वॉशिंग क्लोथ्स कपड़े धोने में यूज़ होता है, स्विमिंग मतलब स्विम भी तभी करोगे जब पानी होगा है ना, और नीडिंग डो आटा गूंदने में, कॉम्बिंग हेयर मतलब कि जब आप अपने बालों को कॉम करते हैं, कंघी करते हैं, तब नहीं ज़रूरत होती ना. तो ये डिफर हुआ आपको. तो आप इसको सर्कल कर देंगे. ठीक है. ऐसे आपने ऐसे सर्कल करने हैं. ठीक है. अच्छे से. देन नेक्स्ट देखो फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोर्टाइज. तो इसमें जो है फिश पानी में रहती है, डक भी होती है पानी में है ना, क्रोकोडाइल ये भी पानी में होता है, टोर्टाइज ठीक है ये भी होता है, कछुआ. मंकी तो नहीं है ना वाटर एनिमल, तो फिर ये डिफर हुआ आपका. ठीक है. नेक्स्ट देखो कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल. तो देखो कार है ये लैंड ट्रांसपोर्ट है. आपको पता है ना ट्रांसपोर्ट थ्री टाइप के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और जो हवा में चलते हैं ना एयर ट्रांसपोर्ट, वो वाले है ना. तो ये कार, बस, ट्रेन, बाइसिकल ये तो जो है लैंड पे चलते हैं तो लैंड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन ये बोट डिफर हो गई, डिफरेंट हो गया ना. ये तो वाटर ट्रांसपोर्ट है, पानी में चलेगी. तो हम इसको सर्कल कर देंगे ऐसे. ठीक है. देन लास्ट आप देखो फन विद कलर्स, ये आपने करना है. देखो टेक अ पेपर, आपने एक पेपर लेना है जस्ट लाइक इन्होंने लिया ना पेपर. ठीक है. एक पेपर लेना है एंड फोल्ड इट इन द मिडल, और उसको बीच से ऐसे फोल्ड कर देना है. ठीक है. उसको ना ऐसे आप फोल्ड कर देना पहले, उसके बाद क्या करना है नाउ अनफोल्ड इट, मतलब फिर उसको आपने खोल देना है. जैसे एक पेपर लिया ना, फोल्ड किया तो इस तरह की लाइन आ गई और उसके बाद उसको खोल दिया. ओके. देन एंड पुट सम ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन इट, और उसके ऊपर ना आपने जैसे पेंट कलर नहीं होता डिफरेंट डिफरेंट, इस तरह से आपने ड्रॉप डाल देने हैं. ठीक है. तो डाल देने हैं डिफरेंट कलर्स ऑन इट, फोल्ड द पेपर अगेन, और दोबारा से पेपर को जो आपने फोल्ड कर देना है. ठीक है. एंड प्रेस इट, और जब आप पेपर को ऐसे फोल्ड कर देंगे फिर प्रेस कर देना है. समझ में आ रहा है आपको. जैसे पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, फिर उसको खोल दिया, तो इस तरह से लाइन्स बन गई. फिर आपके जो पेंट कलर होते हैं, ब्रश कलर्स लाइक, वो डिफरेंट डिफरेंट आपने इसमें ड्रॉप डाल देने हैं. फिर दोबारा से उसको फोल्ड करके अच्छे से प्रेस करना है. कर दिया अनफोल्ड अ पेपर, अनफोल्ड का मतलब फिर आपने पेपर को खोल देना है. ठीक है. लुक वट यू हैव मेड. अब आपने मतलब कि अब आप देखेंगे कि आपका क्या मतलब जो कलर्स हैं जो आपने ड्रॉप डाले थे वो फैल गए होंगे ना, तो कुछ डिफरेंट सी जो है पिक्चर बन गई होगी. ठीक है. आपका एक एक्टिविटी होगी, तो फिर आपने जो है इसको करना एक्टिविटी को भी. ठीक है. तो ये एक्टिविटी भी आप करेंगे, और इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर थर्ड है ये कंप्लीट होता है बेटा. जो इसमें एक्टिविटीज़ है वो करना. ठीक है. और ऑनलाइन क्लास में आपको जो है ये चैप्टर में डिस्कस कर लूँगी. ठीक है. अब थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा.